भारतीय किसान संघ सिवनी मालवा ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर नर्मदापुरम कलेक्टर के नाम 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन SDM अनिल जैन को सौंपा। साथ ही ज्ञापन के माध्यम से भारतीय किसान संघ पदाधिकारियों ने चेतावनी भी दी कि किसानों की ज्वलंत समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द किया जाए, नहीं तो भारतीय किसान संघ सिवनी मालवा द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। ये की गई है ज्ञापन में मांग। खरीफ फसल 2021 के बीमे में भारी अनियमितताएं एवं विसंगतियां हैं, जैसे कि एक ही हल्के में किसान को अलग अलग राशि, किसी किसान को 5,000 रूपए एकड़ एवं वही हल्के में दूसरे किसान को 1,000 रूपए एकड़ राशि आई है, जांच कराई जाए। जिले की बीमा की सूची भारतीय किसान संघ को उपलब्ध कराई जाए। जिला सहकारी बैंक द्वारा किसानों को नगद राशि के रूप में 2,000 रूपए से 10,000 रूपए तक ही दिए जा रहे हैं। किसानों के द्वारा ज्यादा रुपए मांगने पर शिवपुर बैंक के मैनेजर के द्वारा किसानों के साथ बदतमीजी की जाती है। समर्थन मूल्य पर मूंग उपार्जन को लगभग 20-25 दिन हो गए हैं, अभी तक किसी भी किसान को भुगतान नहीं किया गया है, शीघ्र भुगतान कराया जाए। कृषक आरती राजपूत पति कन्हैयालाल राजपूत निवासी ग्राम बिसोनी खुर्द तहसील सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम के निवासी हैं। इनका खाता आधार से लिंक होने की वजह से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा शिवपुर में चने की राशि आ गई है, जिसका शीघ्र भुगतान कराया जाए। पटेल बेराउ शिवपुर में किसानों की मूंग तुलाई हो जाने के बाद भी स्लॉट बुकिंग नहीं हो पा रहा है। धान के लिए किसानों को 10 घंटे बिजली रेगुलर दिन में प्रदान की जाए। आज ज्ञापन दिया गया है। आज भारतीय किसान संघ ने कुछ समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया, जिसमें प्रमुख समस्या ये है कि किसानों द्वारा मूंग जो उपार्जन केंद्र था उनपे आज से 20 रोज पहले मूंग बेच दी गई, लेकिन आज तक किसानों के खाते में राशि आज तक नहीं डल पाई है। शीघ्र अतिशीघ्र मूंग जो उपार्जन हुआ उसकी राशि डले। दूसरी बात, अभी हमारे यहाँ 2021 का बीमा आया है, बीमा में इतनी विसंगतियाँ हैं कि कोई भी आप सिवनी मालवा तहसील में कोई भी गाँव का बीमा का सूची उठा के देख सकते, पहले तो सूची नहीं है, और एक गांव में 5 किसान है तो 5 किसान को अलग अलग प्रकार की राशि उनके खाते में डाली गई है, यानी कि 2 भाई भी है एक ही हल्का है तो भी अलग अलग प्रकार किसी के खाते में 5,000 रूपए डाल दिए गए हैं तो किसी के खाते में 3,000 रूपए डाल दिए गए। ऐसी विसंगतियां है बीमा में, और हम ये चाहते हैं कि जो बीमा है उसकी सूची किसानों को अवेलेबल हो, भारतीय किसान संघ को उसकी सूची मिले और क्लियर वो मामला आए कि किस किसान के खाते में कितना पैसा आया है। दूसरी विसंगतियां ये है कि किसान अगर भी पैसा लेने के लिए जाता है, ज्यादा करके जिला सहकारी बैंक में ये पैसा आया है, तो किसान अगर भी पैसा लेने जाता है तो उसे 2,000 रुपए से 5,000 रुपए तक उसको दिया जाता है, उसकी पासबुक की एंट्री नहीं की जाती है, और अगर भी किसान जिद करता है कि मेरे कितने पैसे आए हैं तो बैंक मैनेजर द्वारा बदतमीजी की जाती है। ये चीज भारतीय किसान संघ हरगिज सहन नहीं करेगा। अगर भी ऐसा मामला रहा तो भारतीय किसान संघ एक उग्र आंदोलन करने को हद रहेगा।